हेलो फ्रेंड, इंटर का रिजल्ट आ चुका है बिहार बोर्ड का और इसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं की जो है परेशानी होगी, उसका जो नंबर कम आया होगा या पाँच या छः नंबर से जो है फर्स्ट सेकंड या थर्ड छूट गया होगा, उसको किस तरह से जो नंबर बढ़ाना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहेगा, फाइनली जो 110% जो नंबर बढ़ेगा मैं पूरा प्रोसेस जो है आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, किस तरह जो है आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है, और कब नंबर बढ़ता है और किस किस स्टूडेंट का जो नंबर बढ़ेगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहे। देखिए, जो छात्र यहाँ पर जो है पास हो चुके हैं उसको भी देखना जरूरी है, उसका जो नंबर कम है तो, और जो छात्र यहाँ पर फेल हो चुके हैं उसके लिए बहुत जरूरी है वो छात्र, तो देखिए कि किस तरह से आपका नंबर यहाँ पर जो है बढ़ सकता है और फाइनली जो है 100% जो है नंबर बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं इसको इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले कि मैं जानूँ, पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि होगा कि मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा, जैसे कि आपको जो है एडमिशन किस तरह से करते हैं, ग्रेजुएशन में किस तरह से जो है आपका नंबर बढ़ेगा, तो किस तरह जो है फिर प्रोसेस रहेगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम फाइनली जी के आ चुके हैं कि आर्टिकल भी, ठीक है, क्या आर्टिकल बिहार बोर्ड से निकल गया है पहले इसको जान लेते हैं, उसको मैं बताऊंगा किस किस स्टूडेंट को जो है नंबर बढ़ेगा, ठीक है, पूरा वीडियो देख के आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस स्टूडेंट को नंबर बढ़ेगा और किस किस को है जो आपको यहाँ पर फायदा है इस करने में। देखिए फ्रेंड, होता है कि प्रत्येक साल जो बिहार बोर्ड स्कूटरी अपना निकालता है उसमें स्टूडेंट को फायदा ये होता है, मान लीजिए आप आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों में कोई भी संख्या हो, अगर आप 5 या 6 नंबर से अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड डिवीजन छूट रहा है तो आपको जो है स्कूटरी मान लीजिए यहाँ पर नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, नंबर आपका बढ़ सकता है। किस तरह से बढ़ेगा तो मैं जो है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। देखिए फ्रेंड, पहले फैमिली आपको मैं बता देता हूँ कि किस स्टूडेंट को जो है ये स्कूटरी मतलब मान लीजिए आपका मिलता है, तो फिर मैं बताता हूँ, जिस स्टूडेंट को फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप कोई भी संकाय से हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों फ्रेंड होता है ना संकाय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों संकाय कोई भी हो फ्रेंड, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो है स्कूटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मिलता किसको किसको नंबर है मैं बताता हूँ, जिस स्टूडेंट को 5 या 6 नंबर से मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन छूट रहा है तो वो जो है अपना स्कूटरी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 110% मैं गारंटी लेता हूँ उसका जो स्कूटरी जब करिएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली बढ़ जाएगा नंबर, ठीक है, 5-6 नंबर बढ़ जाएगा। फाइनली मैं बता दूँ, देखिए किस किस स्टूडेंट को जो है आपको जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए, जिस स्टूडेंट को मान लीजिए 10 या 12 नंबर से फेल हो चुके हैं या 10 या 12 नंबर से कोई डिवीजन छूट रहा है तो उस स्टूडेंट को जो है स्कूटरी करने में फायदा नहीं है, ठीक है, उस स्टूडेंट को यहाँ पर फायदा साफ नहीं है, ठीक है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्यों, आप जो स्कूटरी करिएगा उतना नंबर आपको बिहार बोर्ड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर जो आप मान लीजिए 5 या 6 नंबर से छूट रहा है, मैक्सिमम जो है 7 नंबर, ठीक है फ्रेंड, जान लीजिए मैक्सिमम जो है आप आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों किसी भी संकाय का हो अगर जो आप 7 नंबर से फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल हो चुके हैं तो आपको जो है 7 नंबर बिहार बोर्ड तरफ से दे दिया जाएगा। अगर आप स्कूटरी करते तब मैं स्कूटरी के देखिए प्रोसेस बता देता हूँ, होता क्या फ्रेंड, स्कूटरी के लिए कि आपको एक कॉपी का 70 रुपया लेता है, ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए एक सब्जेक्ट पर आप कराते हैं, एक कॉपी कहने मतलब कि एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप साइंस से थे तो फिजिक्स में मान लीजिए आपका नंबर 5 नंबर कम है, ठीक है, तो अगर 5 नंबर आपका कम है आपको लगता है कि कम आया है या आप 5 नंबर से मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड छूट रहे हैं तो आप जो है ठीक है फ्रेंड, तो एक कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं जिस मान लीजिए सब्जेक्ट में आपको कम है, मान लीजिए फिजिक्स में आपका कम मार्क है और आप 5 नंबर से फर्स्ट में छूट रहे हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एक कॉपी में, जैसे कि एक कॉपी का यहाँ पर 70 रुपया लगता है तो आपको जो है स्कूटरी के लिए बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब क्या निकल गया है न्यूज उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कि स्कूटनी के लिए आवेदन की तिथि बाद में होगी जारी फ्रेंड, ठीक है, स्कूटनी के लिए जो आवेदन हुआ है बाद में जारी होगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए क्या निकल के आ रहा है कि बिहार बोर्ड की माने तो जिन छात्रों को इंटर स्कूटनी के लिए आवेदन करना है उन्हें अभी इंतजार करना होगा, ठीक है फ्रेंड, कोरोना वायरस से अभी स्कूटनी के लिए, उसके बाद देखिए फ्रेंड स्कूटनी के लिए, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं स्कूटनी के लिए आवेदन नहीं लिए जाएंगे, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। तो फिर मैं बता दूं, जो स्कूटनी का जो है वो अभी यहाँ पर जो है नहीं लीजिएगा, ठीक है, इसका बाद में घोषणा किया जाएगा बिहार बोर्ड तरफ से। अब जैसे ही यहाँ पर जो बिहार बोर्ड तरफ से घोषणा आता है कि कब यहाँ पर स्कूटनी करना है और कैसे करना है अपने मोबाइल से, तो मैं पूरा जानकारी जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के द्वारा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड। तो मैं बता दूं, जैसे आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस किस को जो है अप्लाई करना चाहिए, तो मैं बता दूं, जिस स्टूडेंट के 5 या 6 या 7 नंबर से मैक्सिमम 7 नंबर से अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन छूट रहा है या फेल हो चुके हैं तो आप जो स्कूटरी के लिए करेंगे तो आपका 110% जो है मार्क बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जिस स्टूडेंट का मान लीजिए 10-12 नंबर से यहाँ पर जो है फेल हो चुके हैं या फर्स्ट सेकेंड थर्ड छूट रहा है तो वो अप्लाई मत करिएगा, उससे फायदा होगा कि आपका जो है कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड, उससे होगा कि आपका मान लीजिए जो भी रुपया लगेगा वो
भी चला जाएगा और उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है उतना मार्क नहीं देता है आपको, बस इतना ही देता है, 5-6 नंबर जो आपका छूट रहा है ना तो उतना नंबर जो है बिहार बोर्ड दे देता है। तो फ्रेंड यही जानकारी थी इस वीडियो में, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिए ताकि उनको भी जानकारी पहुँच सके। तो फ्रेंड आज के वीडियो में पर करते हैं हम समाप्त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।